सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचेवाना, and welcome to an evening of entertainment, music and comedy. Ji, isse pehle ki hum apna show shuru kare, I would like to invite my co-host, the beautiful Sharmeen Ali. हेलो शर्मीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मजे में, आप कैसे हैं? भाई आज तो बहुत ही मजे का एपिसोड होने वाला है, बिकॉज वी हैव लाइंड अप लॉट्स ऑफ लाफ्टर, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक। क्या चक्कर है आसिम, उधर भी लाफ्टर की बात, यहाँ भी कॉमेडी का जिक्र, किसको बुला लिया है आज आपने? भाई शर्मीन, बात यह है कि हमने जो ईद स्पेशल एपिसोड किया था, वो एक स्पेशल एपिसोड था, उसके बाद फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इतने मैसेजेस आए, इतनी रिक्वेस्ट आए कि वी शुड हैव अनदर एपिसोड विद द सेम स्टार, सो वी हैव डिज़ाइन दिस एपिसोड उनके साथ, और बहुत ही डिफरेंट किस्म का शो, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। डिफरेंट तो है ही, लेकिन एज यू सेड, आई एम श्योर जितना पिछला एपिसोड हमारा पसंद किया था ऑडियंस ने, इस एपिसोड को भी इतना ही एंजॉय करेंगे। सो आई गेस लेट्स नॉट कीप आवर ऑडियंस वेटिंग एनी लॉन्गर। या श्योर, लेट्स स्टार्ट। तो आर यू रेडी टू गेट एंटरटेन टुनाइट? एब्सोल्युटली आसिम, आई गेस हम अपने पहले गेस्ट को बुलाते हैं। हाँ, इनका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि ये हमारे मुल्क की बहुत ही मायानाज गुलुकारा अदाकारा रह चुकी हैं, आजकल वो सोशल वर्क भी बहुत कर रही हैं, शी इज़ वेरी ग्लैमरस, शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, शी इज़ डन मूवीज़, अभी उनकी लेटेस्ट एक एल्बम भी रिलीज़ हुई है, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक अपना नया सॉन्ग उसकी पिक्चराइजेशन कराई है, एंड शी इज़ वेरी फेमस एंड वेरी ग्लैमरस। कौन है? आई एम इंट्रीग्ड। हाँ, सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटिफुल, द मेलोडियस मिस मीना मोरनी। चंजी से नेड़े ना आए, ठुंग भी मार देती हूँ ना मैं। प्लीज हैव अ सीट। ओह थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? अच्छा ये बताइए मिस मोरनी, अब एमएम कर दीजिए चंजी, एमएम जरा चंगा लग दे। अच्छा, तो न्यूयॉर्क में आपको सब एमएम के नाम से बुला रहे थे? ऑफ कोर्स, MM square. तो ये जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर आई हैं, ये गाना भी आपने खुद ही गाया है? मैंने लिखा भी खुद ही, चंजी मैंने गाया भी खुद ही, बस अब अल्लाह ताला ने सुर दे दी मेरे गले में, इतने सुर अल्लाह ताला ने दे दी। आई थिंक आई एम अनलिमिटेड। Oh. Wow. Because I'm not private limited. अच्छा जी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने दूसरे गेस्ट को भी इनवाइट कर लीजिए। प्लीज जरूर। हाँ जी, चेंजी बुला लें हम। हाँ, वैसे कौन है? एक सरप्राइज है आपके लिए। Really, I like surprises, Chenji. Okay, call him. Miss Meena, हमारे जो next guest है ना, वो presenter भी हैं, वो host भी हैं, film critic भी हैं। अच्छा, वैसे करते क्या है वो? फैशन फोटोग्राफर भी हैं, सिंगर भी हैं। Oh my God, all in one? हाँ जी, मल्टी टैलेंटेड हैं। Let's invite the very talented, the very melodious, the very creative, Tony Naved Rashid. जाना मेरे ढोल जाने
वैसे मैं एक बात पूछना चाह रही थी, जब आपने जो उनसे बड़े वाले सिंगर्स को बुलाया होता है ना, तो फिर छोटे सिंगर्स को तो नहीं बुलाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था कि आपने फिर इनको क्यों बुला लिया। ब्यूटीफुल मेलोडियस ट्यून, थैंक यू सो मच। क्या मिस मीना आपका क्या ख्याल है? वो मेरी स्पिरिचुअल टीचर हैं और आई थिंक हर एक ही हैं, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि पहले उनको ट्रिब्यूट दूं, फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीरीज ऑफ सॉन्ग्स जो है वो मेरे ओरिजिनल होंगे। हाउ वंडरफुल। आपने कभी किसी को ट्रिब्यूट? सही बात कहते हैं ना कि फफे कुटनियां जो होती है ना वो सिर्फ औरतों में नहीं होती है। फफे कुटने भी होते हैं। आपको नहीं कह रही हूं ना, प्लीज डोंट टेक ऑन। आपके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते रहे, जो कोई बात होती है किसी में तो कोई कहता है ना। वैसे आप दोनों को देख के लग रहा है कि काफी गहरी दोस्ती है आप दोनों के बीच में। बहुत प्यार है। अन्नी हो गई। हमारा आपस में बहुत प्यार है। ये आपको अभी बैक स्टेज में जो थोड़ी सी आग लगी थी आपको पता नहीं चला उससे? वेरी ग्लैमरस। अच्छा अमीना जी, ये बताइए अभी जो न्यूयॉर्क गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर? बड़ी सर्दी थी ना। अच्छा। इतनी सर्दी थी और मेरे आउटफिट जो बने थे जो डिज़ाइनर ने यहाँ बनाए थे, यहाँ और वहाँ के शंजी, यू नो कि वेदर का चेंज, अब उन्होंने वेदर का चेंज नहीं देखा और फेदर का लिबास बना दिया। तो बट आई डिड दैट टास्क। एक्चुअली वो ये न्यूयॉर्क जो लाहौर में शाहालवी के पीछे ना उसकी बात कर रही है, वहाँ पे उन्होंने शूट किया था। हम लोग भी गुजर रहे थे तो हमने भी देखा था वो गाना शूट होते हुए। ये बेचारे सिर्फ वहीं से गुजरते हैं, तुमको सिर्फ वही पता है। अच्छा बताइए, जो आपका न्यू वीडियो है जो आप रिकॉर्ड करा कर आई है, उसमें क्या कोई डांस वांस सीक्वेंस भी थी? मैंने सुना है। देखिए उसमें ना बड़ी चीजें हैं, बड़ी डिमेंशन हैं चैन जी, तो उसकी डिमेंशन देखने के लिए आंख की जरूरत होती है, जो हर एक के पास आंख नहीं होती। जैसे गाने के लिए आवाज की जरूरत होती है, हर एक के पास आवाज नहीं होती। जी बिल्कुल। ऐसी बात तो बन जाने। बट आई लाइक यू, यू नो। अच्छा हाँ, बहुत प्यार छलक रहा है। असल में होता है ना, जब एक सीनियर अदाकारा गुलकारा के साथ एक और जी, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ उनको। मिस मीना को आप बचपन से देख रहे हैं? हम बहुत छोटे थे, क्लास वन में थे, तो हम लोग तब से देख रहे हैं, तो ये तब से ही ऐसी है माशाल्लाह। और मैंने बहुत रिस्पेक्ट की इनकी हमेशा, इतना प्यारा है ना ये। असल में पूछो कि ये, मैंने जब करियर का आगाज किया तो इन्होंने मुझे बचपन से देखा। अब ही इज मिस्टेकन। क्लास वन से 12 साल बाद ये चंजी बाहर निकला, तो इस वजह से ये। अच्छा अच्छा। मैं अगर क्लास वन में 12 साल बाद भी अगर निकला होता, फिर भी बचपन ही था ये, तो उस वक्त भी ऐसी ही थी। ये ऐसी ही रहेंगी। लेकिन मैंने बहुत इज्जत की इनकी, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट की। अच्छा, ये नहीं पता क्यों बट की। दैट इज योर फैमिली। पता है तरबियत चंजी इतनी कोई कमाल चीज होती है ना। जी बिल्कुल, फिल्म स्टार कमाल की तरह। अब आप लोग के ज़माने के एक्टर थे ना, मुझे याद है बड़े मशहूर थे हम लोग उनको। बहुत मेरी दादी नानी थी, वो कहती थी कि कमाल साहब का बहुत ही नाम है बड़ा, तो मतलब देखे ना। ओ, उस ज़माने से इनका आ रहा है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने किया ना तो आग ला देनी है। चल कोई नहीं, आप शुरू करें। अच्छा जी, तो मीना जी ये बताइए आपके, आपका फिल्मी करियर आपने स्टार्ट किया एज एन एक्टर और बहुत बेतहाशा फिल्मों में काम किया, उसके बाद फिर आप सिंगर बन गई, तो ये जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम एन एक्टर टू अ सिंगर, तो ये आपको शौक था पहले से भी गाने का या फिर फिल्मों में आकर हुआ? एक्चुअली मैं आपको वो सब फिर सुना दूँ ना जो था मेरा। तो आई वॉज इन द स्कूल इन अर्ली एजेस, यू नो आई वॉज वेरी वेरी लिटिल बट आई वॉज टॉल। ओके, तो एट द एज ऑफ द 13th। अच्छा, 13th की एज में तो मुझे डायरेक्टर साहब कहते थे, मैं अपने ना टेनिस के बॉल के साथ लगी हुई होती थी, उधर इधर उधर लगी हुई होती थी, तो डायरेक्टर साहब मुझे कहते थे बेबी शॉट रेडी है, तो मैं उधर देखती थी, मैं कहती थी
ओके ओके, तो मैं शॉर्ट करने चली जाती थी ना। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे एकदम कोई ऐसी रूहानी सी वारदात होने लगी मुझ पे, तो मैंने कहा ये क्या, तो पता चला हाय मुझे तो उस गाना भी गाना है। अच्छा। तो उस वक्त ना मैं इतनी छोटी थी कि मैं उस पे आती नहीं थी माइक पे ना। हाँ। तो उधर कुर्सी रख के तो उस पे चढ़ के तो मैंने घुस गई थी बस यूं गाना गाना शुरू। आप कह रही थी जब आपने एक्टिंग स्टार्ट करी तो आप टॉल थी, अब आप कह रही है जब आपने सिंगिंग स्टार्ट करी। साइलेंट मूवीज कह रहा था ना, तो इसलिए इनको याद नहीं है, याद नहीं आ रहा। और वो माइक उस वक्त बहुत लंबे होते थे, अब तो छोटे माइक हो गए कद के मुताबिक, माइक उस वक्त लंबे होते थे क्योंकि लोग लंबे होते थे। तो ये तो खैर माशाल्लाह उस वक्त भी जवान थी। चल वे झूठे कान बंद थे, कान में मैल अब्बे जी ने साफ कराई। मैं फिल्म क्रिटिक भी तो हूं ना, मैंने हिस्ट्री पढ़ी भी है। तो मेरी बात सुना है कि इनकी जो फिल्में थी जो बहुत मशहूर और उनके गाने, उनके बारे में कुछ बताइए ना, मीना मोरनी के बारे में। हां जी, जो अर्ली मूवीज थी इनकी उसमें तो आता था ना, साइलेंट मूवी थी ना वो, वो उन दिनों की बात है जब इसके कान में मैल भरी होती थी। कोई नहीं, तुझे आवाज नहीं आती थी। ऑफ कोर्स मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी इनको क्योंकि मैं शुरू से फिल्मों को कॉपी, वो उनको रिसर्च करता आ रहा। तो जब अर्ली 30s में फिल्में बनी शुरू हुई साइलेंट मूवीज की, अर्ली 30s जी, जब एरा खत्म हुआ टॉकीज का एरा आया तो उस वक्त फिर माशाल्लाह। तो क्या ये रीइंकार्नेशन था, इतना प्यारा गुगलू जो था ना, तो उस वक्त चंजी क्या हुआ, ये ना गायब हो गया, गुम गया, जैसे पहले बच्चे गुम हो जाते हैं ना, तो मस्जिद में ना ऐलान करवाया। तो उसमें पता क्या था कि एक बच्चा जो बड़ा प्यारा सा है, नीली नेकर पहनी हुई है, येलो बुशर्ट पहनी हुई है, और दिमागी तवाजुन चाहिए। तो फिर हमने भी ना लेट गो ही कर दिया। चले जी, मेरे ख्याल में इतनी मजे की बातों में कि दिल ही चाह रहा ब्रेक पे जाने का, ब्रेक पे जाने का, बट वी विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। और हमारे साथ मिस मीना मोरनी और टोनी नवेद रशीद। ब्रेक के बाद आते हैं वापस और कुछ और मजे की बातें। डैडी ऐ नहीं हो सकता, मैं कोई डेकोरेशन पीस नहीं कि तुझे ड्राइंग रूम विच सजा दिए जाऊं। जितिन तो बसो मेरी आंखों में, ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन, वेलकम बैक। बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं टोनी नवेद रशीद से और मिस मीना मोरनी, द वन एंड ओनली एमएम सॉरी। बाजी में आपका असली नाम क्या है? मीना मोरनी। मीना, मिस मीना मोरनी, ये मोरनी का आपने यूज किया लकब, सरनेम कैसा आया मोरनी? देखिए ये सर नेम ना पूछें आप मुझसे, पूछें कि मीना मोरनी कैसे रखा गया। तो मैं क्योंकि ना यू नो इट, मैं बहुत इंटेंसी किस्म की आर्टिस्ट हूँ। इंटेंसी तो मैंने कुछ ड्रामे किए, कुछ फिल्में की शुरू शुरू में आके ना, तो मुझे लगा कि ये लोग तो मेरा काम से वाकिफ ही नहीं है। तो मैं हर करेक्टर को कहती थी प्लीज़ मोर, प्लीज मोर। तो वहाँ पर फिर मेरा नाम मोरनी। आपसे मैंने एक और चीज़ नोट करी है, मिस एमएम जो है, आपने बताया आप स्कूल में ही थी तो आपने एक्टिंग स्टार्ट कर दी, बट यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, तो क्या ये स्कूल के जमाने की एजुकेशन है या बाद में भी आपने क्लासेस दी? दैट इज इन द ब्लड चंजी। अंग्रेजी हम लोगों को ना, एक्चुअली हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी नहीं पड़ी। तो ब्लड में कैसे आई आपके? वो पुश्तों से आती है। अब ये राज की बात है, ये हम नहीं बता सकते चंजी। ये ना मेरे अब्बे की अंग्रेजी अच्छी, मेरे दादाजी की अंग्रेजी अच्छी, तो फिर मेरी अंग्रेजी अच्छी। तो घर में आप लोग अंग्रेजी में ही बात करते थे? जी हाँ बिल्कुल। हाउ लवली। अच्छा जी, अब हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने लगे, जो हमारा सेगमेंट है इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। आज का जो गाना हमने सेलेक्ट किया है उसके बोल हैं कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में। इसके मौसीकार हैं उस्ताद नजर हुसैन साहब और शायर हैं उबैदुल्ला अलीम साहब, और ये बिल्किस खानम साहिबा की परफॉर्मेंस थी जो कि ये दो तीन दफ़ा पीटीवी के मुख्तलिफ सेंटर्स पे रिकॉर्ड किया गया। तो पहले आइए देखते हैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा क्लिप।
हमारे सामने आपकी इजाज़त से मैं रिक्वेस्ट करूँगा टोनी से कि आप इस पे हमें थोड़ी सी जी परफॉर्मेंस के जी बिल्कुल इजाज़त और नो इजाज़त इज़ ऑल राइट थैंक यू इनकी आदत है ना लू दूसरों के शोज में भी आके डांस करती है ना तो कोई बात नहीं इट्स ऑल राइट पर मैंने आपको एक चीज कहनी है आज टोनी अमान से इतना दिल मेरा खुश होया इतना दिल खुश होया वैसे एक बात है हां जी इतनी सारी शोज में मुझे बुलाया जाता है तो चंद जी हम बड़ा एंजॉय करते हैं हाय आसिम यार जमाना इस ई टीवी के शो ने तो मेरा दिल ही ले लिया कहाँ मिलता है फरीदा खानम और अपनी बिल्कीस खानम इनके क्या गाने हैं एंड द क्रेडिट गोज टू यू टीवी एक क्वेश्चन है आपके लिए पूछिए मिस एमएम अब तक मिस कैसे हैं आप मिसेस में क्यों नहीं ये टाइटल क्या वो मैंने कुछ गलत बात कर दी आपको बैकस्टेज मैंने बताया था ना कि क्या वजह सॉरी ये जो आप अंगूठी देके गए थे मुझे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं प्लीज अंगूठी के साथ आप भी वापस आए कौन कौन है ये अंगूठी ये मैं अगले साल की आपको ना खबर सुनाऊंगी बट अंगूठी आई एम नॉट अलोन बट सुने अंगूठी खामोशी लाजमी है एक और भी आपने अंगूठी पहनी हुई है वो किसकी दी थी ये देखिए इसमें कोई लाल नग नजर आ रहे हैं नहीं ये तलाक की अंगूठी है ओह आप तलाक पे भी लेती हैं अंगूठी ये तलाक की अंगूठी यू नो मौसम बदल गया जमाना तरक्की कर गया चेंजी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली तो अब तलाक की अंगूठियां होती हैं जिसमें कोई रूबी नहीं होता लेकिन जिसमें रूबी होता है वो शादी की होती है इसको आप छोड़ दें एक्चुअली ये डिमांड है कि जो आजकल जो कोविड 19 की वैक्सीन बनाएगा मैं उससे शादी करूंगी तो अब बहुत से लोग जिन्होंने बनाई है वो चुपते फिर रहे हैं चंद जी ये इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मुझे भी नहीं थी थैंक यू वेरी मच इसने मुझे बता दिया आई लव यू और भी बहुत इन्फॉर्मेशन थे प्रोग्राम के बाद एमएम साहब आपका फोन बज रहा है डैडी द फोन है चुक लो हां हां प्लीज जी जी हां हेलो डैडी हां जी डैडी ए नहीं हो सकता मैं कोई डेकोरेशन पीस नहीं कि तुहाडे ड्राइंग रूम विच सजा दी जां ना ही मैं कोई कैसेट हाँ जेड़ी हर एक दे दिल दे डैक विच फिट हो जावे
मैं रिकॉर्डिंग डैडी क्या हुआ मिस एमएम? एक्चुअली इनके डैडी बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने एक दफ़ा इनको कहा था ये परफॉर्म करने जा रही थी कि चैरिटी शो में, तो उन्होंने कहा था जाओ बेटा गरीब बच्चों के लिए शो है, खुल के परफॉर्म करो, लेके देखना तमाना तुम्हें रकासा ना कहता। ये सारी बातें बताओ चैन जी, आपको पता नहीं आपके लिए मुझे फोन कराना पड़ेगा, ये शो के बाद जरा बाहर मिल ना मुझे, कोई नहीं कोई नाराज लग रही थी, क्या कह रहे थे डैडी? जस्ट अ मिनट प्लीज गिव मी योर फोन। क्या हुआ? हेलो शुभाना माय सर्विस, शुभाना जिहड़ी और गड्डी खलोती है ना दरवाजे दे बाहर सामने खलोती है, न्यू होंडा सिविक ऑटोमेटिक, उदी पिछली सीट पे मेरी ना शातू उसकी शॉल पड़ी है, वो ले आ। हां हां जल्दी इधर स्टूडियो में लेकर आ। यहां बड़े महंगे पठानों से 200 रुपए की महंगे शौक हैं आपके मिस एमएम, आप शातू से पूरी चिल्ली हो रही है ना, तो मैंने कहा कि खामखा होंडा एकॉर्ड में क्या करने हैं उस होंडा सिविक में शॉल ने बैठ के, गाड़ी का नाम तो याद हो नहीं रहा, तो चले कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक। अच्छा वंडरफुल। अच्छा चोरी ये बताइए, जो आपने अभी एक ट्रिब्यूट दिया मैडम नूरजहां को, फिर आपने एक ट्रिब्यूट दिया बल्कीस खानम को, कॉन्सेप्ट किस तरह आपके जहन में आया? आई थिंक बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक 20 इयर्स अगो, तो मुझे मैंने जब ट्रेनिंग दी तो मुझे ये सिंगर्स मैंने एक्सप्लोर किया कि पाकिस्तान के पुराने सिंगर्स बचपन में तो ज़ाहिर देखा था जी। और ये गाना मुझे कुछ दिन तो बस वो बड़ा फैशनेबल गाना लगता है। अच्छा। बल्कि खाना बड़ी ग्लैमरस से लग रही है, तो बस वो जो होता था ना वो मुझे बड़ा फेवरेट था। तो मैंने उसको कहा जाके, मैंने कहा कि मैं अब क्या सोचूं, कि मैंने कहा ऑफकोर्स नूरजहां जो हमारे सब सिंगर्स की एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो मैंने कहा कि उनके लिए मैं ये ज़रूर एक ट्रिब्यूट दूंगा। और ये गाना मैंने जब आसिम ने शो के लिए कहा कि हमारा मतलब पीटीवी गोल्ड का ये, तो मैंने बहुत से गाने हुए आसिम ने कहा और दो तीन चार गानों का, मैंने कहा नो आई एम गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग, उसको थोड़ा चेंज करके उसको थोड़ा जैजी बना के और आजकल के मुताबिक करके। तो ऑब्वियसली हम लोग इतने बड़े सिंगर्स की तरह तो नहीं गा सकते जैसे वो लोग थे, मगर वी कैन ऑल्सो ट्राई कि ट्रिब्यूट दे, आजकल की जनरेशन तक उनके गाने पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज लोग भी बना भूल जाते हैं जनरेशन के लोग, बहुत जरूरी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसलिए मैंने किया, आगे फिर इंशाल्लाह अपने ओरिजिनल गाने होंगे। थैंक यू सो मच। आप दिल से दुआ दे रही हैं ना? जी हाँ बिल्कुल, आपने शक क्यों किया? और तो मैंने चंद्री यही प्रॉब्लम, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे शक चले जी, लेट्स टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। यस, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस कहीं भी नहीं जाएगी, इसलिए कहना फजूल होगा कि स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। केंची क्या? व्हाट इज दिस? ये नहीं, अब मैं शो में बैठ के आपको ये बताऊं कि चंजी क्या है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें चंजी का मतलब खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक से पहले शर्मीन कितना मजा आ रहा था, मैं तो बहुत ही एंजॉय कर रही हूं मिस एमएम की बात। थैंक यू। और टोनी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू बहुत ज्यादा, बिल्कुल। आपकी तो लगता है काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी है आप लोग, वैसे आम दिनों में इन कांटेक्ट रिलेशनशिप? नो नो, इट लुक्स लाइक अ लव लव रिलेशनशिप ओनली। पॉजिटिव एनर्जी ना चेंजिंग, अब अगर मैं अच्छा गा लेती हूं उनसे तो कोई नहीं, मैं इनका रास्ता तो नहीं रोकने वाला। ऑब्वियसली मतलब थ्री जनरेशन का फर्क है, रास्ता रोक भी ले तो खैर है। थ्री जनरेशन, आप इंडस्ट्री में इतने अरसे से हैं मिस एमएम, आपकी किससे इतनी अच्छी दोस्ती हुई है कि अपने फारिग वक्त में आप बस उससे उठा के फोन करती हैं सबसे पहले, कौन है वो? अली जफर, क्योंकि वो मेरी एज का है। अच्छा, आपकी एज के अली जफर? हाँ, उनको पता है ये बात कि वो आप ना बताओ, अली जफर के ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम भी अली जफर था एक्चुअली, इसको बता रही हूं। उनके का तो चार अली जफर होंगे, बट ये जो न्यू अली जफर है जी जी, जो सिंगर, बहुत ही प्यारे सिंगर है, हमारे मुल्क का सरमाया है। तो बस मैं फोन उठा के हेलो अली जफर। अच्छा, आ गई। आप लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं? हाँ, उसको फोन पे तो नहीं पता चलता ना मैं तो क्या हुआ। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स कॉल्ड गाने जाने अनजाने।
सितारों का जहां, हर रंग है जवान, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। इसमें हम गाने सेलेक्ट करते हैं, कुछ मूवी के सॉन्ग्स होते हैं और उस पर हम गाना चेंज कर देते हैं, तो वो फिर हम आपसे सवाल करते हैं उस क्लिप के बारे में कि फिल्म का नाम बताएं, उसका ओरिजिनल सॉन्ग बताएं। तो वो एक एक गाना हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, तो वो हम आपको पहले क्लिप दिखाएंगे फिर आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है जी? इजाज़त। इनको तो आ जाएगी, ये तो नानी अम्मा है ना, इनको तो आ जाएगी। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा थोड़ी दफा, मैं ये टीम एक है। हाँ चले ठीक, हाँ चले ठीक है, आप दोनों मिलके पूछें, ठीक है? चले जी। वो जो दिमागी तवाज़ुन वाली बात थी ना, वो जो वो इस तरफ है, मतलब ये तो काफी वीक होगी। मेरी की थी डार्लिंग, दैट इज फॉर यू। अच्छा जी, तो अब ये बताइए कि ये जो फिल्म, इस फिल्म का नाम बताइए जिसका, जो ये फिल्म का नहीं, जो गाना था कि जो क्लिप था, जो क्लिप था, वीडियो क्लिप तो अर्थ फिल्म का है ना, अर्थ फिल्म। और शान इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे, और शान इसमें हीरो भी थे। और गाना क्या था, क्या गा रहे थे? ये था कभी मैं सोचता हूँ, ये वाला गाना था? नहीं, हाँ ये वाला गाना नहीं था। ये तो आसिम के एडिटिंग स्किल्स थे जो आपको लगा कि ये वही गाना है, पर वर्ड वही था कभी मैं सोचता हूं। हाँ, मगर वो ये, लेकिन वो गाना आईना फिल्म का है जी, तो मेहदी हसन साहब ने गाया है जी, तो नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ था। वो जो लड़की खड़ी थी वो शब्दन स्टार शबनम साहिबा जैसी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। शबनम ने तो ब्लैक ड्रेस पहना था इस फिल्म में, इस गाने में, और फूल भी लगाया था, थोड़ी फूल भी लगाया हुआ था। और ये 4 साल फिल्म लगी रही थी बैम्बिनो फिल्म में। ओह वाओ, इतने मजे की पार्टी थी टोनी, वो चंची बड़े मजे की पार्टी थी वो पार्टी। जिसमें हां बड़ी पार्टी। अच्छा, तो आप उस जमाने में आप भी एक्टिंग कर रही थी? मैं, मुझे तो जब मैं बड़ी होगी तो मेरे कजन जो सिस्टर्स होती थी ना, उन्होंने दिखाई कि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, यू शुड नो दिस। अच्छा जी, चलिए जब आपको दूसरा क्लिप दिखाते हैं। जी बिल्कुल, श्योर जी। बहुत अच्छा है। वैसे तो मेरे पैदा होने से बहुत पहले की फिल्म है ये, संग दिल फिल्म है। तो आप कह रहे हैं मिस एमएम के जमाने की फिल्म है? नहीं, मिस एमएम तो उस वक्त कैरेक्टर रोल शुरू हो चुकी थी। तो 1982 की ये फिल्म है संग दिल, जो हसन तारिक साहब जो रानी के हस्बैंड थे, फिल्म शाह रानी के, उनकी ये लास्ट फिल्म है एज ए डायरेक्टर। और ये गाना प्लाजा इंटरनेशनल होटल कराची में पिक्चराइज, वहाँ पे डिस्को टाइप बना था, वहाँ हुआ था। और ये गाना है डिस्को दीवाने, नाजी हसन का गाना है। शो में बैठ के आपको ये बताऊं कि चंजी क्या है? आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें चंजी का मतलब, इतना प्यारा आपको पूरा पैराग्राफ लिखा है। इसकी स्पेलिंग क्या है? चंजी मतलब चांद और जी। ओ चांद जी, ओ आई गेट इट नाउ, ओ माय गॉड। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में मिस एमएम आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ हमें सुनाएं। जी बोले। हाँ जी, व्यूअर्स की जितनी फरमाइश आई है कि मीना मोरनी को बुलाइए और उनसे परफॉर्मेंस कराइए, मिस एमएम से इतनी फरमाइश के बाद
कुछ ना कुछ तो देखें, जब जूनियर लोगों की इंस्पिरेशन मैडम हो सकती हैं तो जो सीनियर हैं, जो माना हुआ है जिनको लोगों ने, क्या उनकी इंस्पिरेशन मैडम जी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। जी में होली ढोलना हाय ढोलना सोनी दी तवीतड़ी, जी में होली ढोलना हाय ढोलना सोनी दी तवीतड़ी, रेंदी गलन लग गई तेरे सावधी नेड़े नेड़े, रेंदी गलन लग गई प्यार हुण ना क्या वधवे, तोड़ दे हमेशा ले तू दूरियां दी अदवे, तेरे नाल प्यार हुण ना क्या वधवे, तोड़ दे हमेशा ले दूरियां दी अदवे, मैनू इश्क दी अग विच पाके सोनी दी वांग पिघला के, मैनू इश्क दी अग सोनी दे नाल पिघला के, तू बना दे राजना राजना है सोनी, कट 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 कट। ये गाना आप नहीं रखेंगे चैन जी, मैं बता रही हूँ। देखिए इस वक्त मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 200 से ऊपर निकल चुका हूँ ना, जिस जगह भी मुझे बुलाया जाता है तो कोई और सिंगर बुला दिया जाता है, तो उसके बाद फिर वो सिंगर मेरी लाइट खराब करा देता है। है कि यहाँ शख्स, इस शख्स को मैं टोनी याद नहीं कराया है, इनको धुआं चढ़ गया, एक्चुअली लाइट नहीं है खराब, धुआं चढ़ गया, गाना आगे भूल गया इनको, सेट पीछे भी करी थी यहीं पे। हाँ जी चंजी, मैं बैल भेजे बाहर, अब खत्म होने वाले शो। हाँ 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 भेजे जरा आप। क्या किसे बुला रही है आसिम? क्या वो कह रहा है? अच्छा आई एम नॉट सैटिस्फाइड। चलिए इसके साथ ही हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल टेक आवर लास्ट ब्रेक, और थोड़े से यहाँ जो टेंशन हुई है उसको हम थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं, काम डाउन करते हैं। पानी लाइए प्लीज, मैं सेमएम के लिए पानी। चलिए जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वे सोने दे कंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया। हाँ तू इंज कर के गड्डी च जा, पिछले वाली सीट के ना आगे जो वो जेब बनी होती है उसमें वो सारी लिस्ट पड़ी है, हाँ वो जलने वालों की ना। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले थोड़ी सी यहाँ पे टेंशन हो गई थी, जो कि अब मिस एमएम मुझे काफी बेहतर लग रही है। थैंक यू सो मच। वो बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट है आपके फेस पे। आप लोगों ने वो कटे हुए प्याज मंगवा लिए ना, बस मैं वो प्याज सूंघती हूँ तो बेहतर होता है। ऑर्गेनिक दवा इस्तेमाल करके। तुमने कब सूंघा? अभी 5 मिनट पहले। मिस एमएम एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अपना करियर स्टार्ट किया एक्टिंग से, फिर आप सिंगिंग की तरफ आई, आप डांस भी इतना अच्छा करती हैं, इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस आपने यहाँ पे किए, तो आपका पैशन क्या अगर एक चूज करना पड़े तो? एक चूज करना पड़े, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं मेरे से कि एक चूज करना पड़े। हाँ। तो पता है होता क्या है? हाँ। मैं ना हर्ट नहीं कर सकती किसी को। ओके। कुछ लोगों को मेरी एक्टिंग बड़ी पसंद है, जिनमें से एक है टोनी, और कुछ लोगों को मेरी सिंगिंग बड़ी पसंद है,
उनमें से हैं एक ये टोनी, टोनी और आसिम, आसिम हाँ। बड़ा पता है हाँ। तो मैं ना फिर इनको और इनको हर्ट नहीं करना चाहती, तो जब तक इन्होंने आज तक हस्बैंड नहीं एक चुना तो बाकी तो चुप ही हो जाएगा बस ऊपर वाला मेरे साथ एक नहीं तो मतलब कितने कितने हस्बैंड रह चुके हैं आपके? आई थिंक 25 times 25 times नहीं ये तो एग्जैजरेशन है, मेरे हमने 4 times आप लोगों को खुश भी तो करना होता है ना ये कह देंगे 120 times एनीवे मैं तुम्हें सीरियसली सीरियस नोट पे बताती हूँ तो जो मैंने चूज किए लोग ना क्या धोखे बाद में प्याज था पक्का प्यार नहीं था तो बस कच्चे प्याज के साथ तमाम उम्र तो नहीं बता सकते ना तो इस वजह से मैं देख किस पे फोन जी जी चंद जी एक कुड़िया हूँ मुझे ताने देनी मैं हाँ मैंने ताने मार दिए अच्छा जी ये लगता है 26वीं बात चल ये अंगूठी भी तो किसी ने दी है ना तो वो जी बिल्कुल एग्जैक्टली अंगूठी भी वापस ले जाएंगे उनके नाम की अंगूठी पहनी है ये शो के बाद वो वापस लेने आ रहे हैं अंगूठी वापस जा ले उनकी हाँ शो के बाद उन्होंने वापस लेके आ रहे हैं कि शो तक की डील वैसे आप हस्बैंड चूज कर रही होती है तो क्या चीज दिखती हैं आप मतलब क्या आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन पर्सनालिटी पैसा उनके घर में कच्चा प्याज है कि नहीं आपको पता नहीं इनकी ऑटोबायोग्राफी आ रही है कच्चा प्याज आपको पता ही नहीं है अच्छा आई एम सो सॉरी मैंने ये पहले रिलीज कर दी बात खबर मुझे बताने नहीं थी लेकिन ये था देखो मैं तो एक वो ना फिल्म क्रिटिक हूँ तो मैं तो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था मुझे मेरा ख्याल था इनको पता है इनकी फिल्म आ रही थी ब्रैकेट में इनका ऊपर से टाइटल था कच्चा प्याज और ब्रैकेट भी लिखा वो सच्चा प्यार जो कभी नहीं मिला जो इतनी प्यारी गुफ्तगु हो रही है कच्चा प्याज और सच्चे प्यार चलिए हमारा लास्ट सेगमेंट है इट्स कॉल्ड हॉट सीट सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां अच्छा इसमें हम आप दोनों से 10-10 सवाल करेंगे तो जिसके बहुत ही मज़े के रिप्लाईज हमें मिलेंगे उसको जमास की तरफ से एक डायमंड का पेंडेंट सवाल पूछे सवाल पूछे सवाल के डायमंड का तो ये इतना बड़ा वैसे ही पेंडेंट पहनी हुई है आई डोंट थिंक हां इनको क्या जरूरत है देने की तो पहले डायमंड से भरी हुई है और इनके गले में उसको आना नहीं है मैं इसका ब्रेसलेट बना लूंगा ना ब्रेसलेट चलिए चलिए सवाल इन मूवीज के टाइटल को आपने ट्रांसलेट करना है उर्दू में ठीक है पहली मूवी है द साइलेंस ऑफ द लैम्स भेड़ बकरियों की खामोशी ओके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी गैलेक्सियों के रखवाले एलिस इन द वंडरलैंड कच्चा प्याज और पक्का प्याज से कुछ मिलती जुलती फिल्म मुझे लग रही है वंडरलैंड में हाँ अच्छा जी कौन से पाकिस्तानी डायरेक्टर के साथ आप काम करना पसंद करेंगे यासिर नवाज एहसन तालिश सरमद खुसर या नदीम बेग जेम्स कैमरॉन अच्छा जी टोनी आप माइक उठाइए मैं एक्ट्रेस का नाम लूंगा आपके जहन में जो भी गाना आपके जहन में आता है आपने वो गाना ठीक है जी तो पहला नाम है बाबरा शरीफ प्यार कभी करना ना कम मर जाएंगे जी नेक्स्ट नेम इज अंजुमन वे सोने दिया कंगना सौदाई को जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया वे सोने दिया कंगना last is neeli challa paadi ranjhna ag dil di bujha de ranjhna hai ishq di paade ranjhna mere lekh saja de ranjhna challa paadi Bye.
चंद जी। करंट फिल्मी एक्ट्रेसेस में किसमें आपको फिल्मी मसाला नजर आता है? मायरा खान, महविश हयात, माया अली या ज़ारा नूर अब्बास? आई थिंक ज़ारा इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज ज़ारा की ड्रेसिंग और ज़ारा ने जो स्टाइल इंट्रोड्यूस किया ना, वो कवर्ड कवर्ड और सारा एंड वो जो डांस करती है उससे लड़कियाँ रिलेट कर सकती हैं आजकल की, तो आई थिंक आई वुड गो फॉर ज़ारा। ज़ारा, ओके। आपका फेवरेट हीरो करंट टाइम्स का? आई थिंक फवाद खान। फवाद खान, ओके। योर फेवरेट फिल्मी पेयर? बाबरा शरीफ शाहिद, ज़ेबा मोहम्मद अली, शबनम नदीम, शान रीमा, नीली जावेद शेख या अंजुमन सुल्तान रही? इसे मैं एक ऐड कर सकता हूँ जी, आई थिंक वहीद मुराद और ज़ेबा। वहीद मुराद 60s का बड़ा फेमस कपल। बहुत प्यारा जी, आपको तो याद होगा, फिर इन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, हमने सीनियर से सब कुछ सीखा है एक्चुअली। अच्छा, मैं अब एक्ट्रेसेस का नाम लूंगा, आपने उनका कोई डायलॉग हमें सुनाना है। आपकी और मेरी फेवरेट नीली। नीली का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, उनकी फिल्म थी हसीना चाह सभी, उसमें वो आते हैं, उनका रिश्ता आता है ना, तो वो रिश्ते वाले कहते हैं बेटी तो कितनी पढ़ी लिखी है, तो कहती ए मेरी डिग्री आने ए मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, एफ ए सेकेंड डिवीजन, ते बी ए थर्ड डिवीजन, कहती है बी ए थर्ड डिवीजन आने की वजह की है? सास पूछती थी, कहती बी ए थर्ड डिवीजन की आने की वजह यह थी कि कुछ मुंडे छेड़न लगे थे मैंने, तो वापसी में नहीं मैं उन्होंने छेड़िया, वैसे मेरा कद 5 फुट 6 इंच, तो वजन 130 पाउंड जे, इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ सकते। अच्छा जी, अब कौन सा गाना आपके जहन में आता है? मैं आपको सिचुएशंस दे रहा हूँ, अगर आप लिफ्ट में फंस जाते हैं मीरा के साथ तो कौन सा गाना गाएंगे? ओ जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ और अगर आप एक फिल्म साइन करें जिसमें रेशम हीरोइन हो तो फिर कौन सा गाना आप गाएंगे? रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चुनरिया, जब मैं नाचू छम छम बोले पाँव में झंझरिया, झुके झुके सबसे झुके। अच्छा, एमएम आपने किसको फोन किया? मैं तो कुछ किया भी नहीं। अच्छा, नहीं। अच्छा, अगर आप सुबह उठें और आप सबा कमर में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं तो कौन सा गाना गाएंगे? जमीन पे सब्जा महक रहा है, फलक पे बादल धुआं धुआं है, जमीन पे सब्जा लहक रहा है, फलक पे बादल धुआं धुआं है। Lovely. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दें। अपना फेवरेट सॉन्ग? अपना फेवरेट जो आपने मुझे डेडिकेट। हाँ, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक fabulous performance. Miss MM, are you ready? Yes. अब आपकी turn है. Of course, मगर ये सारी चीजें मुझसे भी वैसी। नहीं नहीं, आपके questions different हैं बिल्कुल. Okay. आपका first question, कोई ऐसा fan जिसने आपका जीना महाल कर दिया, क्या हुआ उसके साथ? चेंजी वो जो इन्होंने जीना महाल कर दिया उसका, कि उन्होंने इनका कर दिया? नहीं, ऐसे फैंस आपके तो बहुत फैंस होंगे ना, दुनिया आपकी फैन है। वो गुफ्तगू ना कर कि तुझे भी मलाल हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत मुश्किल था। अच्छा, एक बात बताइए, किस सिंगर को आप कॉपी करती हैं, मैडम नूरजहां, फरीदा खानम या महनाज? मैं कैसे कॉपी कर सकती हूँ इन बड़ी हस्तियों को, मैं तो अपने गले से गा लेती हूँ। हाँ, मुझे शौक बहुत है, बहुत प्यारे बड़े बड़े लोग। आपको क्या लगता है आपकी आवाज किसके मुकाबले, किसके अरीब करीब है? बिल्कुल मेरी आवाज अलग है, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, तो अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, बॉलीवुड से कभी गाने की ऑफर आई है आपको? एक बार फिल्म बनी थी कच्चा प्याज, उसमें था ये गाना, इसलिए मैंने नहीं की, और टाइटल सॉन्ग था टाइटल कच्चे प्याज की कसम, तो आई सेड बिल्कुल कम्प्लीटली नो ऑन द फेस। मिस एमएम, कभी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए गाना भूली हैं? एक दफ़ा का जिक्र है, पता है क्या हो रहा था, मैं स्टेज पे आई तो
बात खत्म हो गई. अच्छा, आजकल की कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो आपको लगता है आपसे बेतहाशा जलती है? ऑप्शंस दूंगी, ऑप्शंस दूंगी. इसमें से सबसे ज्यादा कौन जलती है आपसे? मायरा खान, माया अली या सज्जल? हाँ, तू इंज कर के गड्डी से जाओ, पिछले वाली सीट के ना आगे जो वो जेब बनी होती है उसमें वो सारी लिस्ट पड़ी है. हाँ, वो जलने वालों की ना, वो वाली लेकर आओ. ओहो, लिस्ट है पूरी. मुझे एकदम ख्याल आया, लिखने का एकदम ख्याल आया कि मैं ये सारे नोट डाउन कर लूं. तो मैंने इधर से टॉयलेट पेपर लिया तो नोट डाउन करना शुरू किया. वो टॉयलेट पेपर खत्म हो गया, वो रोल मैंने ना चंजी अपनी ऑटोमेटिक गड्डी में पीछे रखवा दिया. तो ओके, किसके साथ आप गाना गाना चाहती हैं? ऑप्शंस आतिफ असलम, अली जफर या हसन जहांगीर? मेरा नाम नाम लीजिएगा प्लीज. आपके फेवरेट, जिसके साथ, जो आपके साथ बहुत तो नहीं है, कब से कोशिश कर रहे हो लेकिन आपने अभी तक उनको मौका नहीं दिया हो लेकिन आप सोच रहे हैं. फेवरेट तो नहीं है पर ओके, हाँ, टोनी. बहुत शुक्रिया आपका. आप बड़ी चुलबुली सिंगर हैं, बारिश के मौसम में कौन से गाने याद आते हैं आपको? वही जो शिफॉन की साड़ी में सबने पिक्चराइज कराए, मुझे भी वही याद आते हैं ऑफ कोर्स. अच्छा, ऐसे कौन से सिंगर हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनकी तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती? भाई, अपने मुल्क में तो सारे सिंगर मुझे बहुत लगते हैं, मगर अपने मुल्क से बाहर जितने सिंगर हैं ना, मैं मुझे नहीं पसंद उनकी तारीफ. चले जी, व्हाट अ फैबुलस राउंड. थैंक यू सो मच. कौन है विनर, ये डिसाइड करते हैं हम. भाई देखें, कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ था जी, एम एम जी एंड टोनी जी, मगर सिर्फ 0.5 से एम एम जी जीत गए. जी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू डिमास एंड थैंक यू पीटीवी होम, आई लव यू ऑल. जी टोनी, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर. मीना मोरनी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया हम लोगों को. और मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके तासुरात हमारे शो पर आने के लिए. कैसा लगा होगा? तू रख ले, मैंने नहीं मिलाना कुछ तो. ओ वाओ, मुझे इस शो पे आके बेहद खुशी हुई. नंबर वन आसिम या आतवाना का शो था, नंबर टू टूनी ने आना था, नंबर थ्री शर्मीन साथ में करी थी, और सबसे बड़ी बात कि ये पीटीवी का शो था. तो इस वजह से ना, आई एम सो हैप्पी चंजी एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और टोनी जी, आपके तासुरात? मेरा तो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई लव शर्मीन. और सबसे ज्यादा जिसकी जो मैं इंस्पायर्ड हूँ इनसे, माय मोस्ट फेवरेट, आई लव हर, शी इज द बेस्ट इन. आई थिंक पाकिस्तान ने इससे अच्छी एक्ट्रेस आज तक कोई प्रोड्यूस नहीं की मेरे नज़र में. जो हमारी स्टॉलवर्ट्स हैं ना, जो फाउंडेशन एक्ट्रेस होते हैं, जो चार पांच हैं उनमें इनका है. शी द विविन ले ऑफ पाकिस्तान. शी इज वेरी इमोशनल. मीना मोदी साहिबा बहुत इमोशनल. बहुत मजा आया शर्मीन, इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड. ऑनेस्टली आसिम, मैंने आपको पहले इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा. और इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई कैन नॉट प्रॉमिस कि इतना ही फन और एंटरटेनिंग एपिसोड होगा, बट इतना लाफ्टर नहीं होगा, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर होगा. हां, तो वी विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, टोनी आपका, आपने आके हमारे शो में चार चांद लगाए, दो चांद आपने लगाए, छह आपने लगाए, और कच्ची प्याज भी दी आपको. और पक्का प्यार. पक्का प्यार. हाँ, प्यार पक्का है. हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया. इसके साथ इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी पीटीवी होम पर. देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल और अपनी दुआ में याद रखिए. बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. सितारों का जहां, चाहे जो नजर लबों पे उसका, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल.
सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां